सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज की गई एफआईआर को सही माना है और सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले ने एक्टर के परिवार, समर्थकों और करोड़ों फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है, जो लंबे वक्त से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुपरस्टार आमिर खान की खामोशी पर सवाल उठा दिया है। एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा, इंडस्ट्री में से किसी ने भी सीबीआई जांच के लिए आवाज नहीं उठाई। उन्होंने आमिर खान का नाम लेते हुए कहा कि यहाँ तक कि आमिर खान ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला, जो कि उनके साथ पीके में काम कर चुके हैं। कंगना ने आरोप लगाया कि पूरी इंडस्ट्री गैंग की तरह काम करती है। उन्होंने कहा, एक तरफ जहाँ आमिर कुछ नहीं बोले, वहीं अनुष्का शर्मा भी पूरी तरह से खामोश हैं। उन्होंने आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी का भी उदाहरण दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि आपकी ही इंडस्ट्री में काम करने वाले आपके कलीग की मौत हो जाती है और आपके पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है। कंगना ने कहा कि अब जहां कुछ लोग इस मामले पर बोले हैं, वहीं ज्यादातर अब छिपते फिर रहे हैं। कंगना ने हाल ही में कहा था कि दीपिका पादुकोण ने सुशांत की मौत के बाद मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाने पर काम शुरू किया है। वो एक्टर की मौत को धंधे में बदलने की कोशिश कर रही है। मालूम हो कि सुशांत मामले में कंगना शुरू से ही काफी मुखर होकर बोलती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टम डिसमेंटलिंग कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अंगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से, डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइफ सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।